Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will continue our topic polynomials. This is the second part of polynomials. In first part we have discussed about terminology of the polynomials. So in this part we will discuss about zeros of a polynomial. So let's start. Let's consider a polynomial px equals to 3x cube minus 5x square plus 7x plus 9, ओके okay? हमने एक पॉलीनोमियल कंसीडर कर लिया. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल इफ वी रिप्लेस दिस एक्स बाय वन. मींस इफ वी टेक एक्स इक्वल्स टू वन देन पी वन विल बी थ्री इंटू वन रेज टू द पावर ऑफ थ्री माइनस फाइव इंटू वन रेज टू द पावर ऑफ टू प्लस सेवन इंटू वन प्लस नाइन equals to 3 minus 5 into 1 आएगा यहाँ पे 5 plus 7 plus 9. इसको ऐड करके देखते हैं. 3 plus 7 10 plus 19 minus 5 तो ये आएगा 14. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल px इज 14 एट x equals to 1. तो ये हमारा आज का टॉपिक का फर्स्ट यहाँ पे रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको दे देंगे कोई पॉलीनोमियल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस पॉलीनोमियल का इस नंबर पे आपकी क्या वैल्यू होगी बताइए. ठीक है, तो ये सबको क्लियर होगा, बिल्कुल इजी वहाँ पे है क्वेश्चन कि पी एक्स वहाँ पे दे देगा आपको और पूछेगा कि पी वन बताइए या फिर पी माइनस वन पूछ लेगा. ठीक है, अगर यहाँ पे पी माइनस वन पूछते तो क्या करेंगे, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स बाय माइनस वन. वेरी सिंपल, सो रिप्लेस एक्स बाय माइनस वन, सो माइनस वन होल क्यूब माइनस फाइव इंटू वन माइनस वन स्क्वायर प्लस सेवन इंटू माइनस वन एंड प्लस नाइन. सो माइनस वन रेज टू द पावर ऑफ थ्री विल गिव अस माइनस वन. सो थ्री इंटू माइनस वन माइनस फाइव इंटू, अब कोई भी नंबर का अगर हम इवन नंबर अगर माइनस नेगेटिव नंबर हमारे पास माइनस वन है बट इसकी पावर अगर नेगेटिव सॉरी इवन नंबर है तो उसको क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस वन होगा. और यहाँ पे प्लस सेवन है और मल्टीप्लाई किससे कर रखा है हमको, हमने माइनस वन से, तो ये हो जाएगा माइनस सेवन प्लस नाइन. अब इसको सोल्व कर लेंगे, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री देन माइनस फाइव माइनस सेवन प्लस नाइन देन माइनस के नंबर कितने होंगे, एट प्लस सेवन माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन प्लस नाइन, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स. सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन विल बी माइनस सिक्स. वेरी सिंपल, क्या आप इस पॉलीनोमियल के हम निकाल सकते पी एट जीरो, पी एट जीरो, पी एट जीरो क्या होगी इसकी वैल्यू आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे. इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहेगा कॉन्सेप्ट वो क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए क्वेश्चन हमें दे दिया कि चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स प्लस टू. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जीरोज यहाँ पे जो हमने यूज किया ये जीरोज होता क्या है, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल कैसे करेंगे. मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलीनोमियल है, फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे कि जीरो किसको बोलते हैं वो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए. मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस वन एक पॉलीनोमियल गिवन है, पी एक्स px इक्वल्स टू एक्स प्लस वन. ठीक है, अब इस जो px यहाँ पर गिवन है इसकी वैल्यू वन पे क्या होगी, वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल एट वन, सो वन प्लस वन सिंपल टू, एंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल एट माइनस वन, सो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो. आप देखिए जिस नंबर को यहाँ पुट करने से अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है इसका मतलब है कि माइनस वन इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल. हम ये कह सकते हैं जीरो की सिंपल सी डेफिनेशन में बता दिया, अगर कोई भी नंबर एक्स की जगह हम पुट कर रहे हैं और उस पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आ रही है तो हम कह सकते हैं कि दैट नंबर इज द जीरो ऑफ दैट पॉलीनोमियल. ओके, वेरी सिंपल. तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अगर पी एक्स यहाँ पे हमारी कोई पॉलीनोमियल इक्वल्स टू जीरो है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स देन वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ एक्स, that value of x is the zero of that
polynomial Px. Px. ओके ये हमारा आया कि जीरो किसको कहेंगे आप. अगर ये अब क्वेश्चन पे अगर हम वापस चलते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि नंबर हमें दिया हुआ है माइनस टू और टू. इनको हमें देखना है कि इस जो पॉलीनोमियल एक्स प्लस टू है इसके जीरोज हैं या नहीं. तो ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट सिंपल है कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका. देखिए अब कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू. जीरोज कब होंगे ये दोनों नंबर्स, मैंने अभी बताया कि अगर एक्स की जगह हम ये नंबर्स पुट करेंगे, मीन्स इफ़ यू रिप्लेस एक्स बाई माइनस टू एंड टू एंड इफ द वैल्यू वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो देन दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, अदरवाइज दीज नंबर्स आर नॉट द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल. सो रिप्लेस एक्स बाय माइनस टू फर्स्ट. सो एक्स के यहाँ जगह यहाँ पे माइनस टू रखेंगे और यहाँ पे होगा प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा जीरो. तो देखिए माइनस टू जो हमने रखा है एक्स की जगह पे तो क्या हुआ इसकी वैल्यू जीरो. इट मीन्स माइनस टू इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल. अब देखिए टू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो टू प्लस टू ये आ गया फोर, तो फोर तो जीरो के इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे हम कह देंगे क्या कहेंगे दैट माइनस टू इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल बट टू इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल. ये लाइन हम यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देंगे. इसी क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछा था. यहाँ पे कहेंगे दैट माइनस टू इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल बट टू इज नॉट. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है. अगर कोई भी वैल्यू हम एक्स के जगह रिप्लेस करें और उसका वैल्यू अगर जीरो आ गया पॉलीनोमियल को सोल्व करने के बाद, तो हम कहेंगे कि वो नंबर एक्स की वैल्यू उस पॉलीनोमियल के लिए जीरो है, अदरवाइज वो उसका जीरो नहीं है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लिए आपसे. एक तो मैंने सबसे पहले बताया ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैल्यू पॉलीनोमियल एट एनी नंबर, मीन्स एक्स की जगह कोई भी नंबर रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स को कोई भी नंबर से, और उस पॉलीनोमियल की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी. तो सेकंड टाइप का होगा कि कोई भी नंबर वहाँ पुट करके देखेंगे कि वो उसका जीरो है या नहीं. ठीक है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे. इसके बाद में आपसे कहा जाएगा कि पॉलीनोमियल आपको दे दिया जाएगा कोई भी. मान लीजिए आपके पास एक पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये आपके पास पॉलीनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और कह दिया जाएगा फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. जस्ट सिंपल है कि पॉलीनोमियल को जीरो की इक्वल रख दो और जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल. तो सिंपल है, यहाँ पे आंसर में क्या करेंगे कि पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, और पी एक्स क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर. ये यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. तो यहाँ पे भी इसको ओपन करेंगे तो ये होगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो. ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स इक्वल्स टू टू और एक्स इक्वल्स टू माइनस टू. सो वी कैन से टू एंड माइनस टू बोथ आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल. वेरी सिंपल, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे. 2.2 जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले मैंने बताया कि कोई भी पॉलीनोमियल की वैल्यू कोई भी नंबर पे पूछे जा सकते कि इस नंबर पे इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, सेकंड मैंने पूछा कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, और पूछेगा कि इस पॉलीनोमियल का ये जीरो है या नहीं. ठीक है, इसके बाद में पूछेगा कि ये पॉलीनोमियल है इसके जीरो हमें खुद फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये हम इजीली कर लेंगे. आप देखिए एक बात मैंने बताई थी पिछली वीडियो में कि कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स और क्या बताया था जीरो पॉलीनोमियल. तो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल और जीरो पॉलीनोमियल का सभी को पता होगा कि किसको कहते हैं. अब इसके जीरोज क्या होंगे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स का. कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स होते क्या, देखो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल होता है 5, 2, 7, ये होंगे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स. और जीरो पॉलीनोमियल क्या होगा, जीरो पॉलीनोमियल्स जीरो पॉलीनोमियल ये होगा जीरो.
इसके जीरो कैसे कहेंगे, मतलब एक्स की जगह पे क्या हम रखेंगे कि वो वैल्यू उसके लिए सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे तो जीरो की, अगर जीरो इंटू एक्स की रेस्ट पावर वन जीरो होता है, जीरो इंटू एक्स रेस्ट पावर ऑफ वन होता है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू अगर हम रखेंगे एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। तो जीरो पॉलीनोमियल के तो बहुत सारे होंगे यहाँ पे जीरोज, बट जो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स हैं इस केस में हमारे पास क्या होता है, फाइव इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ जीरो, जितनी भी जो पॉलीनोमियल्स होंगे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स, इसके मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर ऑफ जीरो। कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता है, इट हैज नो जीरो, बिकॉज अगर इसकी जगह पे भी हम जीरो रखेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, ये फाइव ही आएगा, ठीक है, फाइव ही आएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स, ये ध्यान रखनी है ये बात, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स हैज नो जीरो। और जीरो पॉलीनोमियल में मैंने बताया कि एक्स की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो जीरो नंबर के लिए हम क्या, जीरो पॉलीनोमियल के हम क्या कहेंगे कि एवरी रियल नंबर कैन बी द जीरो ऑफ जीरो पॉलीनोमियल। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की कोई जीरो नहीं होता है, और जो जीरो पॉलीनोमियल है उसका रियल नंबर, मतलब एक्स की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं वहाँ पे, और वो सारे ही जीरो होंगे, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद में चलते हैं हम एक्सरसाइज में जो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो एक दो क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। एक हमारे पास पॉलीनोमियल गिवन है, पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस पाई, ठीक है। इस पॉलीनोमियल का हमें देखना है कि एक्स इक्वल्स टू फोर बाई फाइव इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल और नॉट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, रिप्लेस एक्स बाई फोर बाई फाइव, सो यहाँ पे फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस फाइव, फोर से फाइव से फाइव कैंसिल आउट, तो फोर माइनस फाइव दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू फोर बाई फाइव इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, यहाँ पे हम कह देंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। एक जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल एक्स माइनस फाइव। मैंने क्या बताया था, कोई भी पॉलीनोमियल का जीरो फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलीनोमियल को ही हमें जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल वी हैव टू पुट दिस पॉलीनोमियल इक्वल टू जीरो, सो रिप्लेस पी एक्स बाई एक्स माइनस फाइव विच विल गिव अस एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स विल बी इक्वल्स टू फाइव, सो फाइव इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और तुम लोगों ने देखी हो, आप लोगों ने देखी होगी कि जो लीनियर पॉलीनोमियल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो होगा वन, ठीक है, और ऊपर देखिए हमने एक सोल्व किया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये रहा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरो कितने आए थे, टू। तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे कि लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो हमेशा वन रहेगा, और जो क्वाड्रेटिक रहेगा, क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल होगा उसकी रहेंगे जीरोस टू। तो नॉर्मली हमने इसमें क्या, आपने ये ऑब्जर्व किया, देखिए इस जो हमने अभी वीडियो देखी इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि जीरो मे बी द जीरो पॉलीनोमियल, ठीक है, जीरो मे बी द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। इसका मतलब क्या होगा, हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जीरो मे बी द जीरो पॉलीनोमियल, पहले पॉलीनोमियल मान लीजिए हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ठीक है। अब कोई भी पॉलीनोमियल का जीरो क्या होगा कि अगर x की जगह हम वो वैल्यू रख देंगे तो उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, और हमने यहाँ पे कहा कि जीरो भी उस पॉलीनोमियल का जीरो हो सकता है, मतलब कि x की जगह पे अगर हम जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है उस पॉलीनोमियल की। तो 3 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, तो यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, तो जीरो, देखिए हो गया जीरो में भी द जीरो पॉलीनोमियल, समझ में आया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारा है
कि एवरी लीनियर पॉलीनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, मैंने अभी बताया, ऊपर बताया था ये कि लीनियर पॉलीनोमियल का क्या होगा, एक जीरो होगा, और कोई भी पॉलीनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, ठीक है। पॉलीनोमियल के एक से ज़्यादा हो ही सकते हैं, मैंने ऊपर क्वाड्रेटिक में बताया जैसे दो थे, और मैंने कुछ बातें यहाँ पे बताई थी कि कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल के का जीरो नहीं होता है, और जो जीरो पॉलीनोमियल है उसका सारे रियल नंबर्स उसके जीरोज होते हैं, ठीक है। तो 2.2 में बिल्कुल सिंपल हमें करना है, क्या है, जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए सारे यहाँ पे कर लेंगे, और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हो सारे आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, आप सारे वो घर पे प्रैक्टिस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथ्स।